यार पापा जी ने स्मगलिंग का सामान कस्टम के थ्रू भेज दिया है, अब क्या करें? सोच कर था ना, सोच के कस्टम चल के छुड़ाते हैं। नहीं छोड़ा तो और यार को की, और यहाँ तो बड़ा रश है यार, वो लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पे वो कड़ियाँ और सोने के बिस्कुट छुड़ाने के लिए आए यार। नहीं पाजी, यहाँ पर ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड छुड़वाने आए हैं, जैसे टीवी, वीसीआर, कैमरा वगैरह। ओ यार, ये लोग अपना माल समंदर के रास्ते क्यों नहीं भेजते जैसे हम भेजते हैं? नहीं पाजी, ये लोग स्मगलिंग नहीं करते ना। ना हम लोग स्मगलिंग करते हैं। और की? ओ तो फिर पापा जी ने स्मगलिंग का माल कस्टम के थ्रू क्यों भेजा है? सोच के बता, सोच के। पाजी, पापा जी की उम्र हो गई है ना 60+। हाँ सठिया तो गए हैं पापा जी, वरना वो माल कस्टम के रास्ते थोड़ी भेजते ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। और की, ये कस्टम वाले टीवी वीसीआर तो आसानी से देते नहीं है, आपके सोने के बिस्कुट और कड़ियाँ कहाँ से देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। ना अगर मैं छुड़ा कर दिखा दूँ तो? उन्हें बात सुन, वो एक सेकंड फॉर्म दिखाना, उसके अंदर कड़ी और बिस्कुट तो नहीं पर दिए तूने? नहीं पाजी, मैंने वीसीडी कैमरा और सीडी पर है। बस फिर तो बिना चेक किए छोड़ देना है पाजी, और चेक कर लिया तो फिर नहीं छोड़ेंगे पाजी। किसको? हमको या सामान को? दोनों को। क्या? पर तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ पाजी, इसीलिए तो घबरा रहा हूं। क्या? नहीं पाजी, यार लाइन तो बड़ी लंबी है यहां पे। हां पाजी, वो क्या करें, सोच के बताना, सोच के बताना। पाजी लाइन में लग जाते हैं तो पागल हो जाए, और मैं कभी स्कूल की लाइन में लगा हूं, इसकी लाइन में लगूंगा? पाजी आप स्कूल गए कब थे? मैं गया था। अच्छा घर आ पाजी, आप छुड़वा लो, मैं जाता हूँ। ओ यार तू तो बड़ा डरपोक है, तू रोकना एक सेकंड, मैं तेरे को अभी क्लियरिंग की पर्ची लेके देता हूँ यार। ठीक है पाजी, मैं लाइन में लग जाता हूँ। ठीक है जी, एज यू लाइक करो। चलो जी भाई साहब लाइन में, चलो लाइन में, लाइन में भाई लाइन में। भाई साहब सबको लाइन में कराओ, यहाँ सर खा गए हैं लोग। हाँ जी साहब, मैं लाइन में करा रहा हूँ जी, चलो लाइन में, और लाइन में आओ भाई, लाइन में, लाइन में। और भाई साहब लाइन में क्या कर रहे भाई साहब, मेरा नंबर कब से खड़ा हो भाई साहब? हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा बीच में कुछ रहा हूँ, आओ अपने नंबर पे खड़े हो जाओ, सारे लाइन के अंदर को भीड़ रहा यार। ओ यार इस तरह से तो मेरे को लगता है कल तक नंबर नहीं आएगा अपना। हाँ पाजी, तो फिर क्या करें? बस सोच के बताना, सोच के। पाजी आपने वो टीवी पर ऐड देखा था ना जिसमें लड़का फिल्म की टिकट लेने की लाइन में लगता है? अच्छा, वो जिसके अंदर वो लड़की भी ठाठा करती है उसके साथ थी? हाँ पाजी, वो भी लाइन बड़ी लंबी होती है, लड़का अपनी जेब से पान मसाले निकालता है और गिरा देता है, पब्लिक मसाले उठाने लगती है तो टिकट लेके निकल जाता है ना। पब्लिक इतनी बेवकूफ है? हाँ पाजी, मैं 100 का पत्ता यहाँ पे गिराता हूँ, जैसे मैंने 100 का पत्ता गिराया तो वहाँ से कहना जी किसी का 100 रुपया गिर गया, सारी की सारी लाइन जो है वो इस तरफ आएगी, जैसे लाइन इस तरफ आई तू काउंटर पे। ओके ठीक है जी, चल फिर लाइन लग जा। पैसा भी, ये नोट। कैसा नोट? वो मेरा नोट जो अभी आपने जेब में डाला है। नहीं, सबूत क्या है कि वो आपका गिरा था? मैं कह रहा हूँ गिरा था। और मैं कह रहा हूँ मेरा गिरा था तो? और तू सीधे सीधे नोट दे दे मेरे को। नहीं तो क्या? मैं 3 बार पूछूंगा, 3 बार पूछने में नहीं दिया ना तो? 3 बार में भी नहीं दिया तो क्या कर लेगा? तो फिर तू बता देना कितनी बार पूछने पे दे देगा। ठंडे के टाइम दिमाग खराब मत कर। पाजी 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 नेक्स्ट। पाजी बस, ये जी ये मुसद्दी लाल जी, आइए जरा जल्दी कर देना, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं हम लोग। तो हम क्या सुबह से झक मार रहे हैं यहाँ? आपको क्या लगता है सिर्फ आप लोग काम करते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो क्या क्या टीवी वीसीआर। हाँ जी, कहाँ से? ये कनेडियन। कहाँ से? कनेडियन। कनेडियन कनेडा। हाँ जी। हाँ, ये आपका पर्सनल है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मगर ये पेपर सब पूरे नहीं है, एक पेपर कम है। तो आप पेपर पूरे कर दो। मैं कैसे कर दूँ? आप ही ने कहा ना एक पेपर कम है। हाँ कहा। और तो इतने सारे पेपर पड़े हुए हैं आपके पास, उठा के बीच में एक डाल लो। इसका दिमाग खराब है क्या? आपको कैसे पता है? ये देखने में ही लगता है। और देखने में लगता है जी। अच्छा भाई साहब, आप जाओ और कैनेडियन एम्बेसी से लेटर ले आओ। जाओ। कनेडा गया जी? एम्बेसी से। कनेडियन एम्बेसी से? ओ भाई साहब कनेडा कहाँ जाऊंगा मैं, मेरे तो स्कूटर पर पेट्रोल भी नहीं है। कैनेडियन एम्बेसी यहाँ इंडिया में ही है भाई साहब। हाँ, पर वहाँ क्यों जाऊँ? जरूरी होता है भाई। कमाल है भाई, मेरे डैडी ने कनाडा से सामान भेजा है, मैं उसको रिसीव करने के लिए आया हूँ, तो मैं कनेडियन एम्बेसी क्यों जाऊंगा? आप एक काम कीजिए, आप हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उषा जी हैं, उनसे मिलिए, जाइए। ना उनसे क्यों मिलूं? ये आदमी हो या चुंगम हो, खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे इनकी पर्ची दे दो। अरे पहले लेटर ले आऊं ना। अरे लेटर बाद में लेके आऊंगा, कनेडियन एम्बेसी तो इतनी दूर है। जाते हो कि नहीं जाते हो तुम? ना गया तो क्या कर लेगा? दो बातें। ना कौन कौन सी दो बातें? पहली बात, या तो हम आपको बाहर फेंकवा देंगे, या तो थक के अपने आप हट जाओगे। थक के हट जाओगे ऐसा लगता नहीं है, और हमने फेंकवाया तो दो बातें होंगी, या तो बहुत दूर फेंकेंगे या तो थोड़ी दूर फेंकेंगे। थोड़ी दूर फेंका तो ठीक, मगर बहुत दूर फेंका तो अपने आप सीधा कैनेडियन एम्बेसी पहुंच जाओगे। फिर आती बार लेटर भी ले आना। ओके, अभी फेंकवाता हूँ। पांडे जी जरा देखना यहाँ वहाँ कोई सिक्योरिटी वाला है? ना ना, पांडे जी को क्यों बुला रहे हो? आपको सिक्योरिटी वाला चाहिए ना, हम बुला के देते हैं आपको। चल भाई चल, हम सिक्योरिटी वाला लेके आते हैं जी, बस ये गए और ये आया। इसने तो हमको बहुत दूर फेंक देना था। पाजी मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था चलो। चुप कर गया यार, वो उसने क्या कहा था उस बंदे ने? वो उषा जी है कोई, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ओ हाँ, पर है तो औरत ही ना, वो तेरे को पता है औरतों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। पाजी सोच के बोलो, सोच के। औरतों को ना बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। पाजी सोच के बोलो, सोच के। औरतों को ना बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। पाजी सोच के बोलो।
आपको यार, हर बार सेम टू सेम चीज आ रही है यार। यही तो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ढेर लगा हुआ है, तुझे जो भी चाहिए आके लेके जा। तुझसे कस्टम ड्यूटी थोड़ी लूंगी मैं। हम स्टाफ है ना। ओके आ जा, बाय। कुकी तू कुछ देख रहा है? हाँ पाजी मैं देख रहा हूँ। फिर तो सुन भी रहा होगा? हाँ पाजी मैं सुन भी रहा हूँ। फिर तेरी समझ में भी आ रहा होगा? नहीं पाजी समझ में नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं, आ जा मेरे साथ। कहाँ? अरे वहाँ। पाजी मैंने सुना कस्टम वाले पीटते बहुत हैं। यार तू डरता बहुत है, तू आ जाना मेरे साथ। बहन जी, बहन जी, बहन जी। क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते। बहन जी आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। कमाल है, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, जब आपने आज से पहले मुझे कभी देखा ही नहीं है तो आप मेरे को पहचानोगे कैसे? और जी मैं आपकी फ्रेंड का हस्बैंड हूँ। मेरी फ्रेंड का हस्बैंड? हाँ जी। कौन सी फ्रेंड का हस्बैंड? कौन सी फ्रेंड का नाम बता, सोच के बताना सोच के। कमला जी, कमला। कमला से बेहतर कोई नाम नहीं बता सकता था? इतनी देर में इतना ही सोचा गया पाजी। कमला, कहीं तुम कमलेश की तो बात नहीं कर रहे हो? हाँ जी, कमलेश ही तो नाम है मेरी बीवी का जी, पर मैं तो घर पे उसको कमला बुलाता हूँ ना, कभी कभी कम्मा भी बुला देता हूँ। अच्छा, तो आप कमलेश के पति हैं? हाँ जी, बस यहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में ना ये कस्टम ऑफिस पड़ गया, मैंने सोचा कुछ सामान यहाँ से छुड़वाना है, चलो छुड़वा लेता हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि कमला की बहन जैसी दोस्त तो यहाँ इस ऑफिस में काम करती है, तो मैंने कहा जी मैं आपसे मिल लेता हूँ, बहुत तारीफ करती है जी कमला आपकी। मेरी क्या तारीफ के, तो आप काबिल है। अच्छा जी, यही तो कमलेश हमेशा कहती थी कि तुम बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनाते हो। कमलेश कहती थी? हाँ। फिर मैं बनाता ही होऊंगा। मैं तो आपसे मिलने के लिए तरस रही थी। अच्छा जी। जी ये लीजिए पैड और पेन और लिख दीजिए प्लीज। जी क्या लिख दूं? जी बैंगन के भरते की रेसिपी। जी वो मैं तो सामान लेने आया था ना। नहीं वो तो छुड़ा दूंगी, पहले आप लिखते दीजिए ना। कोई बात नहीं, आप रखो, मैं कल घर से लिख के ला दूंगा। नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए प्लीज। अभी चाहिए, क्या करूं, सोच के बताना। पाजी आप लिख दो। और लिख दो, पर बैंगन तो मैंने कभी खाया नहीं है, तो मैं बैंगन का भरते का क्या बताऊंगा। जी आप कुछ भी लिख दो ना, अगर इस औरत मानगी ना तो अपना माल जल्दी छूट जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा बहन जी ऐसा है कि बैंगन के भरते में, हाँ जी, बैंगन के भरते में बैंगन होता है और बैंगन का भरता होता है और बैंगन, तो सबसे पहले तो जी आप बैंगन खरीद लो। लिए ले लिए जी आपने, और फिर उसके बाद उसका भरता बना लो। पर कैसे? वो मतलब जैसे मार मार के आदमी का भरता बना देते हैं। अच्छा अच्छा, फिर जी फिर क्या हुआ? सोच के बताना सोच के। फिर टमाटर ले। फिर जी टमाटर का भरता डाल दो, मतलब टमाटर पीस के। हाँ जी टमाटर पीस के। फिर मटर। बाजी फिर मटर पीस के डाल दो। हाँ जी मटर पीस के डाल दो। और क्या जी, बस हो गया आपका भरता तैयार पीस के। पर आपने नमक और मिर्च मसाला डाला ही नहीं। अच्छा हाँ। तो अब डाल दो आप ऊपर से। नहीं डालने के तो आप नीचे से भी डाल सकते हो। बस जी हो गया आपका भरता तैयार। अरे इतनी इजी रेसिपी है, मैं आज ही बनाऊंगी। जी पर वो मेरा सामान था जी। हाँ हाँ छुड़ाती हूँ, नहीं तो कमलेश कहेगी मेरे पति का भरता खा लिया और सामान छुड़ाया ही नहीं। हाँ जी पति का भरता। मेरा मतलब है बैंगन का भरता। मैं अभी भाटिया जी से कह देती हूँ, वो डिलीवरी दे देंगे। भाटिया जी। उषा जी। ये मेरे फ्रेंड के हस्बैंड है, इन्हें जरा क्लियर कर दो। हाँ हाँ भेजो ना, एकदम क्लियर कर देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आजा आजा। पति मारेंगे तुम। चुप कर रहे। भाटिया साहब सत श्री अकाल जी। कुकी सत श्री अकाल। कुकी सत श्री अकाल जी। भाटिया साहब जी मेरा नाम मुसद्दी लाल दुग्गल है जी, और ये रहे मेरे पेपर जी। वैसे बाय द वे मेरे जीजा जी भाटिया हैं। तो फिर हम तुम तो रिश्तेदार हो गए, इसमें क्या शक है जी? नहीं एक शक है। क्या जी? वो जो आपने उषा जी को बैगन के भरते की रेसिपी बताई है वो आपकी थी? वो मेरी थी जी, बिल्कुल मेरी थी, वो तो मैंने अभी अभी बनाई थी। एक बार बताऊं, वो रेसिपी सुन के ना मेरे मुंह में पानी आ गया था। देख लिया कुकी। पाजी माल क्लियर क्लियर। वो तो हो गया था ना जी। क्या हो गया? नहीं होना क्या था जी, वो तो आपने सिर्फ रेसिपी सुनी है, किसी दिन मेरे हाथ का बैंगन का परता खा लोगे ना तो कमाल हो जाएगा। तो किसी दिन क्या, आज ही खाएंगे? आज ही खा लोगे? आज खाओगे? एक तो ऊपर परता है कहाँ? आप बनाएंगे ना? मैं बनाऊंगा परता, पर यहाँ तो बैंगन ही नहीं है जी। तो मैं मंगवा लेता हूँ ना, पीछे बड़ी अच्छी कैंटीन है हमारी, वहाँ पे गर्मा गर्म भरता बनाओ आप। क्या है आपकी बहन ने ना आज चार सूखी रोटियां भेज दी हैं, सब्जी भी नहीं भेजी है, शायद उसको पता था कि उसका भाई आने वाला है। पर वो मेरा सामान जी। वो तो क्लियर हो जाएगा ना, पहले आपका भरता तो खा लूं। मेरा भरता? हाँ। ओए कुकी जाके बाजार से 10-12 बैंगन लेके आ। जाओ जल्दी कर यार, चल जा। जा ना भाई। भाटिया साहब। हाँ जी। हाँ जी जब तक ये बैंगन आते हैं तब तक आप सामान क्लियर कर दो। सामान तो मैं क्लियर कर दूंगा, पहले आपके हाथ का टेस्टी भरता तो खा लूं। क्या है ना मैं जो है रिश्वत लेता नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन खाने के मामले में बड़ा पर्टिकुलर हूँ। कल एक बंदा आ गया, वो हलवा लेके आया लेकिन उसमें शुगर ही नहीं थी ना। फिर आपने क्या किया? मेरा तो खून खौल गया, ऐसे चक्कर में डाला है मैंने कि सारी जिंदगी जो है कस्टम ऑफिस के चक्कर ही काटता रहेगा। हाँ जी क्या हो गया, आप इतने सीरियस क्यों हो गए?
आपका भरता तो टेस्टी बनेगा ना? नहीं जी नहीं बनेगा, टेस्टी बनेगा, बनना ही होगा जी उसको। तो जी मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? वो बात क्या जी, कोई टमाटर मिर्ची मुर्ची ना रह गई हो? हाँ हाँ, सारा टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। अप्पा जी पेपर ठीक से मुंह पे ले लो, कहीं देख ना ले आपको। और अच्छा कि आप चले आए हो, वरना पार्टियां तो आपका ही पर्था बना देता। मैं ना इसका पर्था बना देता? पाजी आपने तो कहा आपको पर्था बनाना आता नहीं। हाँ यार तेरी बात तो कड़ाकट है, मुझे पर्था बनाना तो आता नहीं है कुकी। पाजी आप उसके पास जाओ और जाके कह दो कि मुझे पर्था बनाना आता नहीं। वो पागल हो गया? अगर उसको पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पार्टियां भी मारेगा और उषा जी भी मारेगी, और जनानी की ना मार मैं सह नहीं सकता। पाजी आपने वो फिल्म देखी है सरांज? वो अनुपम खेर वाली? आहो हाँ देखी है। वो जहाँ अनुपम खेर अपने बेटे की अस्थियां लेने के लिए अफसर के कमरे में घुस जाता है। आहो आहो बड़ा तंग किया था इन कस्टम वालों ने उस बेचारे बुड्ढे को, और वो सीधा अफसर के कमरे में घुस गया था, और वहां जाके अफसर अच्छा निकला था तो इसलिए उसने उसको अस्थियां दिलवा दी थी ना। कहीं तो उस सीन की बात तो नहीं कर रहा? और की मैं बड़े अफसर साहब से मिलना चाहता हूँ। या आई एम ऑफिसर शुक्ला। मैं आपसे नहीं, मैं बड़े अफसर साहब से मिलना चाहता हूँ जी। अरे यार मैं ही ऑफिसर हूँ, दिखता नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मैं ही ऑफिसर हूँ। लुक एट दिस माय आईडी कार्ड। ठीक है तो फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। हाँ तो बोलिए। मैं भी बैठा बैठा बोल रहा था। यस स्पीक। देखिए एक मिनट, आप लोग अंदर कैसे आ गए? ये ऐसा है कि डायलॉग है यार इनका। क्या पाजी रो? मैं आपसे शिकायत करने के लिए आया हूँ। प्लीज आप बाहर जाइए, पीआरओ उषा जी आप उनसे शिकायत करिए। मैं उनसे नहीं, मैं आपसे शिकायत करूंगा। क्या आपके ऑफिस के लोग आदमियों को क्या समझते हैं? जानवर समझते हैं सबको, क्रुक समझते हैं सबको। हम यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए आते हैं, कोई पीक मांगने के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ। क्या? ओ क्या नहीं, आपका डायलॉग है, हर एक को अपना टीवी लेने की जल्दी होती है। हमको हर को टीवी चाहिए ना। मुझे टीवी दीजिए, टीवी दीजिए मुझे, टीवी से मुझे नफरत है। टीवी की वजह से मेरे पिताजी मर गए। मैं अपने पिताजी की अस्थियां लेने के लिए आया हूँ। आपके पिताजी मर गए? नहीं, उन्होंने कनाडा से अपनी अस्थियां पार्सल करके भेजी है। अब आप बताइए कि एक बेटे को अपने पिताजी की अस्थियां हासिल करने का हक है कि नहीं? बोल को की या उसे अपने पिताजी की अस्थियों के लिए उषा जी के लिए पर्था बनाना पड़ेगा और पाटिया साहब को पर्था खिलाना पड़ेगा। ना ना ना, उषा जी का भर्ता मत बनाइए, एक ही लेडी ऑफिसर बच्ची हमारे ऑफिस में, और भाटिया साहब को तो नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके पास इतना समय है कि आप मुझे मेरे पिताजी की कड़ियां दिलवा दें। कड़ियां? अस्थियां, अस्थियां कह रहे जी। बोल नहीं पा रहे हो ना? आई अंडरस्टूड क्योंकि तू संभाल, मैं इनको दो मिनट में मैं आता हूँ। आई अंडरस्टूड माय फादर डाइड ना। और देखा कोगी कैसा ड्रामा किया मैंने? ओ मान गया पाजी, आप तो अनुपम खेर से भी बड़े एक्टर हो। ओ यार अनुपम खेर क्या चीज है, मैं तो पप्पू पंडित से भी बड़ा एक्टर हूँ। पप्पू पंडित कौन है? वो अपने घर के पीछे जो रामलीला होती है ना, उसमें शत्रुघ्न का रोल करता है वो। अबे अबे ये लीजिए आपके पिताजी के पास। भाई साहब कितने पिताजी थे आपके? कितने पिताजी थे मेरे, सोच के बताना सोच के। पाजी एक एक पिताजी थे जी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 10-12 पिताजी की हस्तियां एक साथ पार्सल करके भेज गए। जी मेरे पिताजी खाते पीते हट्टे कट्टे आदमी थे। तो हम भी खाते पीते हट्टे का आदमी है, पकड़ो ना इसको। पकड़ ना भाई इसको। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए अगर गुस्से में मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल गया हूँ तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। चूक अभी से हुई है क्योंकि हम ना ठीक से शिक्षा नहीं दे सके। जल्दी चलो, पिट जाएंगे। पिट जाएंगे मेरे। अच्छा जी ओके, बहुत मेहरबानी है, धन्यवाद। मुसद्दिक जी। हाँ जी। एक बात बताइए कि आप अपने पिताजी की 13वीं कनाडा में कर चुके हैं या यहाँ करनी है? नहीं यहीं करूंगा। वेरी गुड। वो कब कब? नहीं मैं उस महान आत्मा की 13वीं खाकर तर जाना चाहता हूँ। मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा। बैगन का भरता जरूर बनवाना प्लीज। और प्लीज मेरे लिए एक पान खाने के बाद। ओ ठीक है जी, चलो कुकी चल। गिल नहीं, पिताजी ने पूरी अस्थियां भेजी है कि नहीं भेजी? आप उन्हें आखिरी जगह सकते हो नहीं। आ जा भाई। यार भाटिया ये डिश करने के बाद जो एकदम सारान फिल्म नहीं याद आ गई तेरे को? नहीं मुझे तो बैंगन का भरता याद आ गया है। कैंटीन में बड़े अच्छे बैंगन बने, चल चल के खा लेते हैं यार। मुझे पान जरूर खिला देना यार। ऐसे बच्चों के बाप क्यों मर जाते हैं? अजय कुकी यहाँ दिखते हैं माल ठीक है कि नहीं? ओ नहीं पाजी, इसको यहाँ मत खोलो, कहीं पकड़े जाएंगे तो। ओ अब कौन पकड़ेगा हमको, अब तो माल हमारे हाथ में आ गया है। ओ पाजी आप देखे तो सही, पापा ने माल ठीक भेजा कि नहीं? माल तो ठीक ही है यार। आजा बस हम कर चलते हैं। सत्ती जी ये क्या है? ये मेरे पिताजी की अस्थियां हैं। अस्थियां? ओ
तो आपके पिताजी के शरीर में घड़ियां और सोना था। नहीं देखिए बात यह है कि और तू बता ना यार कुछ सोच के बोलना सोच के। पाजी अब मैं क्या बोलूं, पोल तो खुल गई है। हाँ जी अब हम क्या बोलें, अब तो पोल खुल गई है। सर होश में आइए, सर प्लीज होश में आइए। सोना स्मगलिंग का माल था, हमारी आंखों में अस्थियां झोंक रहा था। यही तो, पर बैंगन के भरते की रेसिपी सही बताई थी इन्होंने। बेटा बाहर ही मान जाते तो अंदर नहीं आना पड़ता। देखो जी बात यह है कि भूल चूक तो आदमी से हो ही जाती है, मेरी गलती है ही नहीं गलती, मेरी तो गलती है ही नहीं है, ये तो मेरे बाप की गलती का नतीजा है। ये सही कह रहा है, ये अपने बाप की गलती का नतीजा है। तो देखो जी मैंने पापा जी से कई बार कहा था कि आपको स्मगलिंग का माल भेजना है तो आप कस्टम के थ्रू मत भेजना, आप हमेशा सारा का सारा माल जो है समंदर के थ्रू भेजना। अब हो गई उनसे गलती, पर पहली गलती हुई है। सॉरी जी, सॉरी सॉरी शुक्ला जी। ओए सॉरी शुक्ला जी नहीं, चोरी शुक्ला जी, स्मगलिंग का माल है, बहुत भयंकर सजा मिलेगी तुमको। कितनी भयंकर मिलेगी जी? पटेल की दो बातों से भी ज्यादा भयंकर। नाना जी देखो ऐसा मत करो। देखो जी आप प्लीज मुझे छोड़ दो। बोलना कुकी दोनों हाथ छोड़ के बोल। पाजी आप प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं 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 हम तो जाएंगे अंदर। उषा जी जी भाई कस्टम पुलिस को बुलाओ जी। अबे जी फोन मत करो जी अभी। ओ भाटिया तू ये लिख क्या क्या माल बरामद हुआ इसके बाद लिख। जी इसके पास से मिली है 1, 2, 4, 10 घड़ियां। जी 10 घड़ियां? पर पापा जी ने तो 25 घड़ियां भेजी थी। और 1, 2, 3, 4 है सोने के बिस्कुट। 4 सोने के बिस्कुट? पर पापा जी ने तो 25 सोने के बिस्कुट भेजे थे। तो इसका मतलब है ये लोग खा रहे हैं। अच्छा मतलब खुद खाते हो और मुझे फंसाते हो जी। अरे हम खा कहा रहे हैं, हम तो अपना मेहनताना ले रहे हैं भाई। लो जी जरूर लो मेहनताना, लो जरूर लो अपना सारे का सारा मेहनताना ले लो जी, बल्कि ऊपर से भी चाहिए तो मैं कुछ दे देता हूँ, पर हुजूर मेरे को तो छोड़ दो ना। तू तो लंबा गया बेटा, उम्र क्या रिश्वत देता है। अंडा सेल मिलेगा तुझे, तू हमें खरीदना चाहता है। बेटा पुलिस बहुत मारेगी। उषा जी खोल लगाओ आप जी। ठीक है जी लगाओ जी, लगाओ लगाओ फोन लगाओ ना। आप क्या लगाओगे पुलिस को फोन? मैं लगा देता हूँ फोन। पाजी अब कुकी जरा एक कागज और पेन हाथ में ले ले और लिख कि मैंने 200 कड़ियां स्मगल की हैं। नहीं पाजी इनके दिमाग में असर हुआ जी। और चुप कर तू, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। लिख 200 कड़ियां स्मगल की हैं मैंने। क्या? और 300 सोने के बिस्कुट स्मगल किए हैं। अब देखे है जिंदगी में तूने? अगर लिख लिया तो ला मेरे पास, मैं अपना बयान साइन कर देता हूँ। ओ भाई साहब पागल हो गए आप, पागल हो गए। अरे पता है आपको जेल हो सकती है पता है? और 4 बिस्कुट के लिए भी तो जेल ही होगी। होगी। और 200 बिस्कुट के लिए भी जेल ही होगी। हाँ वो तो है। तो मैं 200 बिस्कुट की जेल कबूल करता हूँ। अरे मगर है कहाँ, यहाँ तो 4 है ना। यही तो, बाकी के 196 है कहाँ? बाकी के 196 आप लोग खा गए। हाँ बुलाओ बुलाओ पुलिस को बुलाओ, मैं पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करूंगा पर आप लोगों को भी फंसाऊंगा। क्या? हम तो डूबेंगे सर, हम कस्टम को भी साथ में लेके डूबेंगे। और ये क्या चक्कर है? ओ शुक्ला जी ये क्या चक्कर है भाई? अरे यार हेल्सी क्रोनिया हो गए हो क्या, खुद कबूल हो गए हमारा भी नाम लोगे? अब CBI की इंक्वायरी होगी शुक्ला जी, आगे पीछे के किए हुए कुकर्म जो है ना वो भी सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। हाँ अब दो बातें नहीं होगी, अब एक ही बात होगी। कौन सी? कैद कैद और उमर कैद। नहीं क्या भाई कुकी कुछ बोलना तूने? हाँ भाई कुकी सोच के बोलना सोच के। अब कुकी क्या सोचेगा, सोचना तो आप लोगों ने है। और सोचना क्या है उसके अंदर भाई साहब, आप ये सामान ले जाओ ना अपना ये। और बाकी तो हम खा गए ना। कुकी फोन लगाना जरा पुलिस। रुक जा कुकी अब पागल हो गया है। ये ले डालो जी, डालो अंदर डालो, मुझे भी बचेगी नहीं। एक रह गई है जी। लो जी लो। लाओ जी लाओ। हाँ भाई कुकी आ जा। पांडे जी और वो 100 का पत्ता जो आपने नीचे से उठाया था, अब तूने कुछ बोलना कुकी? हाँ भाई। ओए कुकी सोच के बोलना सोच के। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर